बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फौजी फाउंडेशन स्कूल बिहारी हियर। आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। इट्स योर कंप्यूटर क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। We will cover this chapter in three lectures. In our first lecture, we will discuss about that what is computer, what are the parts of computer, and what are the input devices. In our second lecture, we will discuss about some output devices, and in our third lecture, we will discuss about some storage devices. So let's start our first lecture. First of all, the objectives of this lecture are that what is computer, what are the parts of computer system, and what are the input devices. इस लेक्चर के इख्तिताम पे स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। What is computer? A computer is an electronic machine that takes raw data and process it to give results. A computer एक electronic machine है जो कि क्या करती है, हमसे data लेती है input की form में, उसको process करके data को हमें output की form में convert करके result हमें दे देती है। ठीक है, ये एक electronic machine है। Then parts of computer, there are mainly two parts of computer. Basically, इसके दो ही parts हैं. First one is hardware and second one is software. What is software? A set of instructions consisting of one or more programs to carry out a particular task is called software. Okay? हदायत का वो मजमुआ जो कि एक या एक से ज़ायद programs पर मुश्तमिल हो किसी खास काम को सर अंजाम देने के लिए, क्या तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर्स को देते हैं कि वो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। व्हाट इज हार्डवेयर? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर, लाइक इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग, cables, wires and power supply etc. all are the hardware components. वो components जिनको हम छू सकें, means कि वो tangible parts हों, वो physical components जिनको हम छू सकें, वो computer के वो parts, हम उनको क्या कहते हैं, hardware. उसमें बहुत सारे हमारे पास components आ जाते हैं, जैसे कि input, output, storage, central processing, cable, wire, power supply etc. बहुत सारे components वो जो कि tangible हों, हम उसको क्या कहते हैं, वो हार्डवेयर। इधर से आपको ब्रीफली पता चल जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और आगे उनकी फर्दर डिवीजन क्या है। तो सबसे पहले देखें कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर की नेक्स्ट बहुत मल्टीपल आ जाती हैं, हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जिसमें इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सीपीयू मेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम सबसे पहले हार्डवेयर को डिस्कस करने लगे हैं। तो हार्डवेयर में सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारी हमारे पास इनपुट डिवाइस की टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो है टच स्क्रीन, देन स्कैनर, थर्ड ग्राफिक टैबलेट, OCR, OMR, बारकोड रीडर, MICR, वॉइस स्पीच इनपुट एंड डिजिटल कैमरा। जी तो आगे मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और इनकी क्या फंक्शनैलिटी है। तो फर्स्ट वन जो थी वो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? जैसा कि आपको इस पिक्चर से नजर आ रहा होगा कि टच स्क्रीन मींस के इसके साथ या तो एक टच पेन भी हमारे पास होता है, या हम फिंगर के साथ इसके पॉइंटर को मूव कर सकते हैं इसकी स्क्रीन पे। जैसे कि कंप्यूटर को हम यूज करने के लिए उसके साथ माउस अटैच होता है,
तो माउस के जरिए जो है हम उसकी मतलब कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन मींस कि या तो हम फिंगर यूज करते हैं या एक टच पैन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ज्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट स्कैनर। एक स्कैनर ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, मींस के टेक्स्ट को इनपुट लेने के लिए, ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को जो कि प्रिंटेड फॉर्म में हो ऑलरेडी, मींस के लेट सपोज आपके पास बुक है, आप बुक फोटोकॉपी शॉप पे जाते हैं और वहां पे फोटोकॉपी करवाते हैं बुक को, तो एक पेज जो है आप फोटोकॉपी करवा रहे हैं तो वो फोटोकॉपी किसके जरिए होगा? स्कैनर के जरिए होगा, क्योंकि स्कैनर जो होता है वो प्री प्रिंटेड पेपर से मटेरियल को लेके वो एक नेक्स्ट पेज पे प्रिंट कर देता है, उसको एज इट इज उसकी कॉपी बना देता है, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट। अ ग्राफिक टैबलेट इट हैज अ पैड एंड अ स्पेशल पेन कॉल्ड स्टाइलस। द स्टाइलस में हैव अ बटन ऑन इट विच कैन एक्ट लाइक अ माउस बटन। आपको इस पिक्चर से नजर आ रहा होगा तो एक इसमें पैड होता है और एक होता है इसमें पेन, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइलस। इस स्टाइलस के ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बटन्स होते हैं इसपे, ठीक है, यहाँ पे दो बटन्स होते हैं जो कि एज इट इज माउस वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट और राइट बटन वाले। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। एन ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्कैनर एंड एन OCR सॉफ्टवेयर। इट डिटेक्ट अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक करेक्टर्स स्कैन फ्रॉम अ पेपर। इट इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट फ्रॉम इनपुट पेपर्स विदाउट एक्चुअली टाइपिंग इट फ्रॉम द पेपर। OCR एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या है, ये इमेज, अगर एक इमेज में डाटा ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में है या अल्फाबेट, चाहे वो डाटा अल्फाबेट मतलब ABC की फॉर्म में है, चाहे वो न्यूमेरिक करेक्टर्स है उसमें, जो भी है, वो उनको पिक्चर से लेता है, मतलब हार्ड फॉर्म में आपके पास पेज है, आप उसकी पिक्चर बना ले, ठीक है, आप उसको OCR जब उस पर अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, वो जो टेक्स्ट जो है उसको कॉपी करके उसको एक सॉफ्ट फॉर्म में, मींस के वर्ड की फाइल में या नोटपैड की फाइल में, वो उसको चेंज करके एडिटेबल फॉर्म में रख देता है, ठीक है, मींस के अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में मटीरियल नहीं होता, आप अगर हार्ड फॉर्म में आपके पास मटेरियल हो तो आप उसको बजाय इसके कि आप 70 पेजेस को टाइप करो, आप उस पर OCR सिस्टम के जरिए आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से वो 70 पेजेस को टाइप ना करना पड़े। अगर आप उसमें फर्दर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। OMR का बेसिकली पर्पज ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ इसकी, कि फिफ्थ और एट्थ के पेपर्स देखें तो उसमें जब MCQs को फिल करना होता तो फिल करने के लिए एक आपको बबल शीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वो जो बबल शीट होती है वो कंप्यूटराइज होती है, मींस के आपने उन बबल्स को फिल करना होता है MCQs की लिहाज से, ठीक है, जब आप बबल को फिल करते हैं एक इंक के साथ तो फिल करके आप उन्हें कंप्यूटराइज शीट वापस रिटर्न कर देते हैं वो बबल शीट, तो जब पेपर मार्किंग होती है तो वो कंप्यूटर उन्हें मार्क करता है, मींस के जहां ये कंप्यूटर नहीं मार्क कर रहा होता, बेसिकली वो OMR होता है, ठीक है, OMR इसको रीड आउट कर रहा होता है कि MCQs ठीक भी है या गलत। नेक्स्ट, बारकोड रीडर। अ बारकोड रीडर डिटेक्ट्स द इंफॉर्मेशन कोडेड इन द बार एंड डिकोड्स देम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक आइटम नेम, प्राइस एक्सेट्रा टू द कंप्यूटर। क्या आप कुछ भी खरीदते हैं, जैसा कि आप शॉप पे जाते हैं वहां पे एक लेस का पैक लेते हैं या कुछ बिस्किट का पैक लेते हैं आप, तो उस पे देखिएगा उसकी बैक साइड पे इस तरह की कुछ लाइंस बनी होगी, ठीक है, डिफरेंट गैप पे आपके पास देखेंगे तो ये लाइंस बनी हुई होंगी, तो ये जो लाइंस होती हैं इनके अंदर हमारे पास डाटा होता है,
ठीक है, मीन्स के जैसा कि वो आइटम का नेम, जैसे कि आपने लेस का पैक खरीदा तो मे बी उस लेस का जो भी कोड नंबर, मीन्स के लेस जो उसका कोड नंबर वो हो इसमें, उसके अलावा उसकी आइटम की प्राइस हो सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है बारकोड रीडर जो है इसमें से रीड कर लेता है, ठीक है। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो वो जब स्कैन कर रहे होते हैं तो वो सिंपली बारकोड रीडर के जरिए वो सिंपल इस बारकोड को स्कैन करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इसकी प्राइस क्या है, ये आइटम कौन सा है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, ये क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज यूज्ड टू रीड कैरेक्टर्स प्रिंटेड विद द स्पेशल मैग्नेटिक इंक। These are generally used to read check number, bank codes, etc. from the check. ठीक है, ये क्या करता है कि चेक के बॉटम पे देखें तो डिफरेंट डिजाइन में नंबर्स लिखे हुए होते हैं, नंबर्स कोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये उनको रीड आउट करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को हम यूज करते हैं। वॉइस स्पीच इनपुट, this device is used to directly feed the data by receiving voice speech from the user. It works with the help of microphone, a sound card or a software. ठीक है, ये device जो होती है ये क्या करती है, data को save कर लेती है, means data को voice की form में। एक इंसान, let's suppose मैं बोल रही हूँ इस time पे, ठीक है, मैं lecture record कर रही हूँ, तो ये जो voice है मैं computer में input कर रही हूँ थ्रू अ माइक्रोफोन, अ साउंड कार्ड और अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। मीन्स के कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज को सेव करने के लिए हम वॉइस स्पीच इनपुट एज अ मीन्स के उसमें माइक्रोफोन, साउंड कार्ड और सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। डिजिटल कैमरा, ये सब स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा, ये हम पिक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसमें क्या इसका फायदा है, हम इसमें से कंप्यूटर अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी पिक्चर्स को सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको असेसमेंट जो दे रही हूँ उसमें आपने लिखना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, ठीक है, कि मेन डिफरेंस क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, आपने वो लिखना है। उसके अलावा आपने एक टेबल बनाना है जिसमें इनपुट डिवाइसेस होंगी डिफरेंट, कुछ डिवाइसेस मैंने आपको पढ़ा दिए। उसके अलावा आप फर्दर रिसर्च करें तो उसमें देखें इनपुट डिवाइसेस आपको बहुत सारी मिलेंगी, आपने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिखने हैं, मींस के उसके कितने बटन्स होते हैं, वो क्या काम करता है, वो पॉइंटिंग डिवाइस है या डाटा एंट्रिंग डिवाइस है, जो भी, ठीक है, आपने ये बताना। और ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें कोई भी क्यूरी हो बच्चों, आपको कोई चीज समझ ना लग रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।